हेलो, गुड मॉर्निंग राधे राधे। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के धारघाटी, एक छोटे से गांव रैल गांव से। और आज की ब्लॉगिंग मैं 10 बजे से कर रही हूँ और अभी तक घर का काम पे बिजी रहे। और आप लोगों को केदारघाटी का आसमान भी दिखाती हूँ। और केदारघाटी का मौसम अच्छा है, सुहावना है, अच्छी धूप भी खिली हुई है और तरसाली के ऊपर बादल भी छाए हैं। और नीचे खेतों में भी अब सबने गेहूँ बो दिए है और यहाँ ज़्यादा करके गेहूँ की खेती रहती है और जौ की खेती रहती है और सरसों की खेती भी रहती है। और जो मंदाकिनी का जल स्तर है तो आजकल वो गदेरा जैसा बन गया है, बहुत कम हो गया है। यहाँ पर रखा है मेरे सुखाने के लिए मनवा, तो मनवा गाय भैंसों के लिए रखा है सुखाने के लिए। और यहाँ सुखाने के लिए गेहूँ रख लिए पहाड़ों में, इन गेहूँ पर लगे थे घूण, तो बारीक बारीक होते हैं ये, तो दुनिया भर का बर्बाद कर दिया है इन्होंने। तो ये संदूक में रखे थे, जो लकड़ी का बनाया हुआ संदूक है उसमें रखे थे मेरे ये गेहूँ, ये पर के साल के गेहूँ है, तो पूरे खा लिए उसने। तो आ मेरे धूप है सुखाने के लिए रखे हैं। और यहाँ सुखाने के लिए गेहूँ रख लिए पहाड़ों में, इन गेहूँ पर लगे थे घूण, तो बारीक बारीक होते हैं ये, तो दुनिया भर का बर्बाद कर दिया है इन्होंने। तो ये संदूक में रखे थे, जो लकड़ी का बनाया हुआ संदूक है उसमें रखे थे मेरे ये गेहूँ, ये पर के साल के गेहूँ है, तो पूरे खा लिए उसने। तो आ मेरे धूप है सुखाने के लिए रखे हैं। और यहाँ पर डाल रखा मेरे गाय भैंसों के लिए पीना, तो इसमें मिला रखे मेरे जौ हो गया और झंगोरा हो गया और गेहूँ हो गया और मनवा हो गया, ये गाय भैंसों के लिए रखा है सुखाने के लिए। तो अब मैं इसको चक्की में पीसूंगी और गाय भैंसों को दे दूंगी। वहाँ पर करेले की बेल लगी हुई थी मीठे करेले की, तो वो आप पूरी निकाल दी हमने। और यहाँ पर से एक कंडी हुई मीठे करेलों की, ऐसे होते हैं मीठे करेले, तो पूरी ये निकाल की बनी हुई कंडी है, तो इसमें रखे हैं मैंने। थोड़ा सब्जी के लिए निकाल दिए और इतने मीठे करेले हो रखे, थोड़ा थोड़ा आप सब्जी के लिए निकालेंगे हम इससे, और कभी आलू भी डालेंगे, अच्छी होती है ये मिक्स सब्जी। और लंच भी कर दिया है, लंच करने के बाद थोड़ा आराम किया और चक्की लगा रखी है मेरी। और धूप सुखाने के लिए गेहूँ भी डाल रखे थे मेरे, आप लोगों को भी दिखाया था। आजकल ऐसे कीड़े लग रहे हैं गेहूँ पर। यहाँ पर सुखाने के लिए रखे थे मेरे गेहूँ और तो मैंने चक्की पर डाल दिए हैं। वहाँ पर लगा रखी मेरी चक्की, छोटी सी चक्की है और नहीं आता है यहाँ पर, और कुछ आटा मैंने पीस दिया है, यहाँ कंडा का डाल रखा है। और खेतों में सब ने गेहूँ की बुआई भी करी दी है पूरी खेत, परसों गोबर डाला, आजकल सब ने खेत में गेहूँ जो और राडू सरसों बो दिया है सब ने। और मंदाकिनी का जो जलस्तर है बहुत कम हो गया है आजकल। केदारघाटी का मौसम आज का लगातार साफ ही है, धूप खिली हुई थी और धूप भी चली गई है। और हमारे गांव की धूप जो है 9 बजे आती है और शाम को 5 बजे 6 बजे चली जाती है, देर तक रहती है। यहां की धूप देर में आती है और देर तक रहती है। और अभी आ रही हूं अपने मकान के पीछे, तो यहां पर आप लोगों को सब्जी भी दिखाती हूँ। इतनी सारी अरबी भी लगी हुई है और कद्दू भी लगे हुए हैं, दो कद्दू हैं, एक पीछे है और ये एक ये है, एक ऊपर में है। बहुत सारी अरबी लगी हुई है सर्दियों के टाइम के लिए। और अभी आ रही हूँ मैं किचन में, तो अब बनाती मैं शाम की चाय, गुड़ वाली चाय। तो मेरी चक्की तो लगा दी है मैंने और पूरा गेहूँ पीसूंगी मैं आज, क्योंकि उन पर हमारे पहाड़ों में बहुत घूण लग गए हैं, बहुत सारे लगे हुए थे धूप में, वो पूरे भाग गए हैं, तो पीस के रखती हूँ मैं। आज का सर्दियों के टाइम पर गेहूँ का आटा ख़राब नहीं होता, तो उस ड्रम पर पीस के रखती हूँ मैं। पहले मैं चाय बनाती हूँ, ऐसे गेहूँ पीसूँगी चक्की से। और बहुत सारे अरमियत लगे हुए थे ऊपर चट्टान में, तो कुछ तो मैंने पूरे निकाल दिए, कुछ नीचे मोकनी पे रखे हैं, आप लोगों को भी दिखा दूँ, मोकनी पे भी रखे हैं, कुछ अभी निकालने बाकी हैं वहाँ, तो वो बाद में निकालूंगी। कुछ मैंने निकाल दिए, ये सड़ भी गए हैं, कुछ गाय भैंसों को देंगे
और कुछ हमारे काम आएंगे। कुछ कद्दू मैंने ये मौकमी पर रखी हुई है, ये है निगाल की बुनी हुई मौकमी, और सर्दियों के टाइम के लिए कुछ मेरे यहाँ पर रखे हुए हैं कद्दू, तो ठंडियों के टाइम पर बहुत अच्छी सब्जी बनती है इनकी। बहुत सारी लगी हुई थी ऊपर चट्टान में, और कुछ मेरे ऊपर की मौकमी पर निकाल रखे करेले, मीठे वाले करेले, तो उनको भी दिखा। यहाँ सीढ़ी के नीचे हमारे सारी तुलसी के पेड़ हैं, अच्छे खिले हैं यहाँ पर, अच्छे भी लग रहे हैं। और यहीं से हमारा चौक है यहाँ पर, तो ये खाली रास्ता के लिए है ये चौक। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं निकालते हैं, जैसे गेहूँ जो कुछ नहीं निकालते हैं, यहाँ पर मेन रास्ता है ये, ऐसे खिली रहती है तुलसी। इतने सारे फूल लगे हुए हैं तुलसी के पेड़ पे, पहाड़ों में लाइट की ऐसी समस्या है, लाइट चली गई है, मेरी चक्की रुक गई है, और अब थोड़ा देर में आएगी तब पीसूंगी। बहुत सारे गेहूँ पीसने के लिए अभी है, तो अभी तो लाइट चली गई। और यहाँ पर मैंने गोबर डाला तो बहुत सारे मीठे करेले, कद्दू और बहुत सारी सब्जी लगती है। ऐसी मेहनत करते हैं तो चट्टान पर भी क्या नहीं हो सकता है, जो मेहनत है। तो यहाँ पर बहुत सब्जी लगी है, ककड़ी भी लगी और पतीली छीमी भी लगी और कद्दू और अरबी दुनिया भर की लगी है, और ऐसे चट्टान पर बोई थी मैंने, तो इतने सारी सब्जी लगी यहाँ। और यहाँ पर राजमा दाल बो रखी थी मेरी, तो यहाँ से हमने बहुत राजमा दाल खाई, सब्जी भी खाई और कुछ दाने भी निकाल के मेरे सुखा के। लाइट भी अभी आ रही है और अंधेरा भी हो गया है, गौशाला से भी आ गई हूँ मैं दूध निकाल के गाय में सोचो चारा पत्ती देके, और चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो गया है। तरसाली में भी लाइट जल गई है, और बोली गांव में भी, और खड़िया गांव में भी, और यहाँ पर तो ये लाइट है नीचे आंगन में। वैसे मैं डिनर बनाऊंगी और वैसे ही गेहूँ पीसूंगी, और मोनिका पढ़ाई कर रही है, रोज भी पढ़ाई कर रहा है, और आजकल खेतों का काम कर रहे हैं लोग, गेहूँ सरसों बो रहे हैं, तो सुबह से लगे हुए हैं काम पे। तो आज हमने भी पूरा बो दी है खेती, और गांव के जेठ ने लगाई हल, और रात का डिनर भी बना दिया है मैंने, और जो चक्की पर गेहूँ लगा रखे थे वो भी पीस गए हैं पूरे, और एक ड्रम आटा पीसा मैंने अभी, ये है 30 किलो का ड्रम। तो ये पूरा मैंने अभी गेहूं का, घर के गेहूं है ये, तो पीस के रखे हैं मैंने ये गेहूं आज। और अब करते हैं रात के डिनर, और आज की वीडियो को भी मैं यही पैन करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय देव हूँ, जय उत्तराखंड, बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो पर।